हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग एकदम ठीक ठाक हो गए। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ सैंपल टेस्ट पेज यहाँ पर टेबल के ऊपर पड़े हुए कुछ इस तरीके के। अगर आपकी प्रिंट आ रही है कहीं से स्पॉट स्पॉट आपको पूरे पेज में देखने को मिलेगा, या फिर लंबी लंबी लाइन आपको देखने को मिलेगी ब्लैक कलर के पूरे पेज के ऊपर, या फिर कहीं से आपको किनारे से स्पॉट आपको देखने को मिलेगा, या फिर कहीं से आपको ऊपर से या नीचे से कहीं से भी आपको स्पॉट देखने को मिलता है। तो इसकी कार्ट्रेज में क्या प्रॉब्लम है, इस वीडियो में आपको सोल्यूशन इसका बताने वाला हूँ। तो कार्ट्रेज मेरे पास जो है उसका नंबर है 1020 प्रिंटर की कार्ट्रेज है। HP और कैनन प्रिंटर में वाली कार्ट्रेज लग जाती है आसानी से। तो इसके अंदर मैग्नेट रोलर खराब है, तो यहाँ पर मैग्नेट रोलर किस तरीके से चेंज करना है और उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको प्रिंट इस तरह को आपको देखने को मिलेगी, तो आपको क्या करना है इसके अंदर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास कुछ खराब मैग्नेट रोलर यहाँ पर पड़े हुए। तो कुछ इस तरह के से अगर आपकी लाइन आ रही है मैग्नेट रोलर के ऊपर, गोल गोल लाइन आ रही है व्हाइट कलर की, या फिर आप देख सकते हैं कहीं से आपको मैग्नेट रोलर घिसा हुआ दिखेगा, तो यहाँ पर आपको क्या करना है। सबसे पहले औजार की बात करूँ तो सबसे पहले आपको पकड़ की जरूरत पड़ेगी, आपको एक ये वाला टूल की जरूरत पड़ेगी, यू आकार का आपको ये वाला टूल की जरूरत पड़ेगी, और एक आपको ये एल आकार की टूल की जरूरत पड़ेगी, स्क्रू ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी, और ब्रूस पेंट जो करते हैं दीवार पे उस वो जरूरत पड़ेगी, और एक चक्कू की जरूरत पड़ेगी, और एक आपको साफ कपड़ा यानी कि उससे आपको सब पार्ट को साफ करना है वो आपको जरूरत पड़ेगी, और लास्ट में आपको एक ढक्कन की जरूरत पड़ेगी। इसके अंदर सारे स्क्रू आपको रखना है संभाल कर ताकि गुम ना हो जाए। तो यहाँ पर कार्ट्रेज की बात करें तो कार्ट्रेज 112A कार्ट्रेज है ये सैमसंग के, क्या बोलते हैं अपने HP के प्रिंटर में और कैनन के प्रिंटर में ये कार्ट्रेज आसानी से लग जाती है। कार्ट्रेज का नंबर है 1020 और प्रिंटर का नंबर है ये, और कार्ट्रेज है 12A की कार्ट्रेज, 12A की कार्ट्रेज है। कार्ट्रेज के ऊपर दो स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे, तो दोनों स्क्रू को आपको खोल लेना है, और आपको ड्रम साइड का फ्रंट कवर आपको खोल लेना है। बहुत ही आसानी से आपको कवर निकल जाएगा। ये कवर निकालने के बाद आपको ओपीसी ड्रम आपको ध्यान से खोलना है, क्योंकि ओपीसी ड्रम खोलते टाइम बहुत से लोग ये वाला जो कवर है ये तोड़ डालते हैं। तो आपको ये क्या करना है, ओपीसी ड्रम का ऊपर का जो कवर है उसको आपको थोड़ा सा उठा के कुछ इस तरीके से आपको हल्के हाथ से उठा के और ओपीसी ड्रम को गोल गोल घुमाकर आपको ओपीसी ड्रम को बाहर निकाल लेना है, कुछ इस तरीके से संभाल कर आपको निकालना है। नहीं तो ये वाला जो ओपीसी ड्रम है उसका जो साइड का जो पतला से जो आप देखते हैं वो टूट जाता है। तो यहाँ पर ओपीसी ड्रम निकालने के बाद फिर आपको साइड में ओपीसी ड्रम साइड वाली रिंग ये स्प्रिंग निकाल लेना है। स्प्रिंग भी आपको ध्यान से निकालना है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों साइड लॉक लगे रहते हैं, ये अगर लॉक टूट जाता है तो कार्ट्रेज वेस्ट यानी खराब हो जाती है, फिर आपको पूरा पार्ट चेंज करना पड़ता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ जो भी आप पार्ट खोलते हो उसको संभाल कर आपको खोलना है। उसके बाद आपको ये वाले टूल की जरूरत पड़ेगी, इस टूल से आपको PCR रोलर को निकालना है। PCR रोलर को निकालने के लिए आपको ये जो टूल है इसको क्रॉस करके अंदर डालना है, और आपको हल्के हाथ से PCR रोलर को ऊपर की साइड खींचना है, तो PCR रोलर आपका निकल आएगा। कुछ इस तरीके से आपको PCR रोलर को निकालना है। PCR रोलर को निकालने के बाद PCR रोलर को भी अच्छी तरीके से कपड़े से अच्छे से साफ कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दो लोग कार्ट्रेज के ऊपर, ये वाली जो कार्ट्रेज रहती है 12A की कैनन के प्रिंटर में जो लगती है, HP के प्रिंटर में भी लग जाती है, 1020 प्रिंटर के अंदर एक कार्ट्रेज लगती है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको दो लॉक देखने को मिलेंगे। दोनों लॉक को आपको अंदर की साइड से निकालेंगे, बाहर की साइड से आप खाली दो लॉक देखने को मिलेंगे। ये लॉक सीक्रेट रहता है, यहाँ पर इसको आप खोलोगे तभी ये दो पार्ट में दो हिस्से में कार्ट्रेज होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस तरह का आपको टूल की जरूरत पड़ेगी, इस टूल को लेने का है और इसको सुराख के अंदर डाल के और नीचे की साइड आपको इसको स्प्रेस करना है, और आपको ये यहाँ पर ये वाला लॉक निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से आपको दूसरी साइड का लॉक निकालना है, तो इसको आपको बहुत ही संभाल कर निकालना है लॉक। जैसे ही आप दोनों लॉक निकालोगे तो कार्ट्रेज दो पार्ट में हो जाएगी। तो कार्ट्रेज दोनों पार्ट हो गई है। आपको अपना जो ये वेस्ट वाला पार्ट है इसको पूरा अच्छी तरीके से साफ सफाई करके उसको अपने दोबारा से पैक कर लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ये साइड वाली स्प्रिंग निकालना है, स्प्रिंग निकालोगे उसके बाद आपको ये वाला ड्रम शटर वाला कवर निकालना है। ये वाली स्प्रिंग निकाल लिया हूँ, स्प्रिंग निकालने के बाद आपको ये ड्रम शटर कवर निकालना है, इसको ड्रम शटर कवर बोलते हैं। इसमें बीच में एक पट्टी भी लगी हुई रहती है, लेकिन पट्टी टूट गई, इसका कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दो स्क्रू आपको देखने को मिलेंगे, दोनों स्क्रू खोल लेना है, वाईफाई ब्लेड को खोल लेना है। वाईफाई ब्लेड खोलने के बाद इसको अच्छी तरीके से साफ सफाई कर लेना है। साफ सफाई करने के बाद इसके नीचे जो वेस्ट इंक जमा हो जाती है इसको वेस्ट इंक को आपको खाली कर लेना है। ये इंक आपको काम में नहीं आएगी, ये वाली इंक को आपको फेंकना ही पड़ेगा। ये मैग्नेटिक इंक रहती है, मैग्नेट रोलर के ऊपर ये वाली इंक चिपकती है, जो नहीं चिपकती वो इसके अंदर जमा हो जाती है, वेस्ट पार्ट के अंदर जमा हो जाती है। ये वाली इंक आपको जरा भी इस्तेमाल में दोबारा से नहीं लेना है, ये वाली इंक आपको काम में नहीं आएगी। तो यहाँ पर मैंने निकाल लिया वाईफाई ब्लेड,
वाइफर ब्लेड निकालने के बाद अब इसको अच्छे तरीके से कपड़े से साफ कर लेना है। वाइफर ब्लेड को भी आपको चेक करना है कहीं से ख़राब तो नहीं है, उसकी रबड़ ख़राब तो नहीं हो गई, इसकी रबड़ ब्लैक हो गई है या फिर उसको कहीं से टूट गई है, कट हो गई, तो वाइफर ब्लेड को भी आप नहीं डाल सकते हो। अगर वाइफर ब्लेड सही है तो वापस से दोबारा इसको वापस से दो स्क्रू लगा के फिट कर लेना है। फिट करने के बाद इसको ऊपर वापस से दोनों स्क्रू लगा देना है। दोनों स्क्रू लगाने के बाद वापस से ये वाला आपका कवर लगा देना है। कवर लगाने के बाद इसके वापस से साइड की दोनों स्प्रिंग आपको लगा देना है। दोनों स्प्रिंग लगाने के बाद उसके बाद वापस से पीसीआर रोलर लगा देना है। पीसीआर रोलर लगाने के बाद फिर आपको क्या बोलते हैं अपने ओपीसी ड्रम लगा देना है। ओपीसी ड्रम लगाने के बाद फिर आपका जो दूसरा पार्ट है उसको आपको ये वाला इसमें पीसीआर रोलर लगा देना है। पीसीआर रोलर को भी आपको चेक करना है। पीसीआर रोलर का अगर रबड़ कहीं से मुलायम हो गया, कट गया है, ख़राब हो गया है, गोल गोल उस पर वाइट वाइट निशान आ गए तो उसको अच्छी तरीके से आपको साफ़ कर लेना है, कपड़े से पानी से साफ़ कर लेना है। यहाँ पर एक पार्ट अपना पूरा रेडी हो गया है। दूसरा पार्ट है इसके अंदर यहाँ पर मैग्नेट रोलर इसका खराब है, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, इसको यहाँ से एक स्क्रू यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ये एक स्क्रू यहाँ से आपको खोल लेना है। एक स्क्रू खोलने के बाद आपको यहाँ पर आपको ये वाला कवर निकाल लेना है। कवर निकालने के बाद आपको मैग्नेट रोलर निकालना है। मैग्नेट रोलर के ऊपर दोनों साइड के आपको ये एक साइड गियर मिलेगा देखने को मिलेगा और दूसरे साइड आपको ये दो रिंग देखने को मिलेगी, दोनों रिंग देखने को मिलेगी। और यहाँ पर आपको मैग्नेट रोलर को देखना है, अगर खराब हो तो नया डालना है, तो यहाँ पर मैं नया मैग्नेट रोलर डालने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं नया मैग्नेट रोलर निकाल लिया हूँ और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये वाली व्हाइट कलर की आपको रिंग डालना है और इसी तरह एक लेफ्ट साइड में आपको रिंग डालना है और राइट साइड पे ये वाला गियर लगा देना है। गियर लगाने के बाद और यहाँ पर मैग्नेट रोलर को ध्यान से लगाना है और इसको देख कर लगाना है। किस तरीके से आपको देख कर लगाना है मैं इसको अब बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको एक पहले राइट साइड पे आपको मैग्नेट रोलर अंदर डालना है और उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट रोलर के बीच में आपको एक मैग्नेट देखने को मिलेगा। मैग्नेट के ऊपर आपको एक कट देखने को मिलेगा, वो कट को आपको डॉक्टर ब्लेड के जो निशान है उसको आपको इसके लेवल टू लेवल लाना है, यानी कि इसको आपको क्रॉस करना है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर मैं इस पकड़ की मदद से इसको क्रॉस कर दूंगा। कुछ इस तरीके से आपको लेवल टू लेवल करना है, डॉक्टर ब्लेड और ये मैग्नेट रोलर दोनों एकदम से लेवल टू लेवल होना चाहिए। और उसके बाद ये वाला जो कवर है इसके ऊपर भी आधा कट लगा हुएगा, ये जो कट लगा हुआ है ये कट और ये मैग्नेट रोलर है, जो मैग्नेट रोलर के बीच में जो मैग्नेट है उसमें कट लगा हुआ है, दोनों कट से कट मिलाकर आपको ये वाला कवर फिट करना है। कवर फिट करने के बाद इसके ऊपर एक स्क्रू लगा देना है। स्क्रू लगाने के बाद फिर दोनों जो पार्ट है वो दोनों पार्ट को आपको आपस में ज्वाइंट करके ज्वाइंट करने के बाद उसके ऊपर दोनों लॉक लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से आपको ये कटरेज पूरी कंप्लीट हो गई है। इस तरीके से आपको ये आपको चेंज करना है। अगर आपकी प्रिंट कहीं से पूरा एकदम वो ब्लैक ब्लैक आ रहा है, कहीं से स्पॉट आ रहा है, तो या फिर कहीं से एकदम से वाइट वाइट ऐसे निशान आ रहे, तो वो निशान इस मैग्नेट रोलर लगाने के बाद आपको ये फिर नहीं आएगी। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर फिर भी अगर आपकी प्रिंट नहीं आती है तो मुझे कमेंट करके बताना आपकी कौन से नंबर की कार्ट्रिज है और कौन से मॉडल नंबर की कार्ट्रिज है और कौन सा मॉडल नंबर का प्रिंटर है और क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह की प्रिंट आ रही है, वो मुझे कमेंट करके बताना। मैं उसका सोल्यूशन आपको जवाब देने की रिप्लाई करने की कोशिश पूरी भरपूर कोशिश करूँगा। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैंने दोनों लॉक लगा दिया हूँ। दोनों लॉक लगाने के बाद अब यहाँ पर ये फ्रंट कवर आपको ध्यान से फिट करना है। इसके ऊपर तीन उभरे हुए लॉक देखने को मिलेगी, एक दो तीन, यहाँ पर तीन लॉक देखने को मिलेगा। इसी तरह कवर के ऊपर तीन आपको लॉक देखने को मिलेगी। कुछ इस तरीके से लॉक को लॉक देख के आपको फिट करना है ये वाला कवर और इसके ऊपर दोनों स्क्रू लगा देना है। दोनों स्क्रू लगाने के बाद आपको स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग भी आपको ध्यान से देखकर लगाना है। तो यहाँ पर ये स्प्रिंग आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, इसको कार्ट्रिज को नीचे रखकर स्प्रिंग का ये जो गोल वाला पार्ट है इसको यहाँ पर रखकर और ये वाला दूसरा वाला पार्ट यहाँ पर, इसको इस तरीके से स्प्रिंग लगाना है आपको। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो।